हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिटगर्ड के ऊपर, ब्राइज के ऊपर। जी बिल्कुल, देखने की कोशिश करेंगे बिटगर्ड की दुनिया में, ब्राइज की दुनिया में हमें क्या क्या अपडेट्स देखने को मिल रही है, किस तरह हमारा जो बिटगर्ड है, ब्राइज है, हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ इसी वीडियो में पूछने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ सॉरी। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरह मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरह मूव करूँ, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई, आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ? जल्दी जल्दी जाके वो जो सब्सक्राइब का बटन है, आई डोंट नो व्हाट यू विल डू विद दैट बटन, उस बटन के साथ क्या करते हैं, आई डोंट केयर। जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबा लें, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड या बिटगर्ड के रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपने बिटगर्ड की तरफ। दोस्तों यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं मार्केट के हालात। बिटकॉइन भाई जान भाई $43,828 पे चल रहा है, 5.4% पीछे 24 घंटों में बढ़ चुका है, 14% तकरीबन जो 7 दिनों में बढ़ चुका है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इथेरियम की, तो भाई $2,279 पे चल रहा है, 3.5% बढ़ चुका है, वीकली बेसिस पे 10% बढ़ चुका है। वैसे भी हमने देखा है हर एक क्वाइन जो है हमें एक अच्छी खासी ग्रीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सोलाना भी तकरीबन 9.7% पिछले 24 घंटों में बढ़ रहा है। तो ओवरऑल जो मार्केट वो काफ़ी अच्छी चल रही है। एवलांच 18% बढ़ चुका है भाई, काफ़ी मार्केट में हमें मज़ा देखने को मिल रहा है। तो उसके साथ अगर यहाँ पे मैं आज का फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स शेयर करूँ, तो भाई हमारा जो फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स है वो 72 स्कोर के साथ ग्रिड में देखने को मिल रहा है, जो कल 75 स्कोर के साथ ग्रिड में था, लास्ट वीक 72 स्कोर के साथ ग्रिड में देखने को मिला था, और लास्ट मंथ की अगर बात की जाए तो भाई हमें 74 स्कोर के साथ एक ग्रीडी पोजीशन में भी हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखने को मिला था। तो भाई मार्केट ओवरऑल ग्रीड चल रही है। तो भाई मैं बिटगर्ड के आला देखे जाए तो भाई हमारा बिटगर्ड 340 नंबर पर रैंक कर रहा है, 0.6 जीरो के बाद 261311 प्राइसेस की चल रही है, 4.1% भी 24 घंटों में डाउन जा चुका है। BTC के हिसाब से 11.4% और ईथर के हिसाब से 8 BNB, जो BNB के हिसाब से तकरीबन 8% जो है वो डाउन जा चुका है। तो भाई जहाँ पे दूसरे कॉइन्स काफ़ी अच्छा मूव कर रहे हैं, वहीं पे हमने देखा है कि भाई बिटगर्ड अभी थोड़ा डाउन जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है भाई ये पिछले 7 दिनों में 59% का आपको ऑलरेडी प्रॉफिट दिला चुका है, 14 दिनों में 74% का, 30 दिनों में 66% का। तो भाई बिटगर्ड ऑलरेडी आपको एक अच्छा खासा बुल रन दिला चुका है। वैसे भी अगर मैं बात करूं तो भाई कल जो 7 दिसंबर होगी वो इसके लिए बहुत बड़ा दिन जो होने जा रहा है बिटगर्ड के लिए, ब्राइज के लिए। जी बिल्कुल, बिटगर्ड की जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो उसका लॉन्च इवेंट जो है भाई नेक्स्ट 24 घंटों में होने जा रहा है। तो भाई इसकी वजह से हो सकता है कि बिटगर्ड एक अच्छी खासी बुल रन पकड़ सकता है। उसके बाद क्रिप्टो क्लास की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई बिटगर्ड जो है एक नए रीचिंग हाइट तक जाने वाला है, जो है 0.60 के बाद 4 तक इसकी जो प्राइस है वो एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ तक जा सकती है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखें तो अभी 2 तक चल रही है, तो इनका कहना है कि भाई उसकी जो प्राइस है वो 4 तक जा सकती है। अब देखते हैं कि भाई वाकई 0.60 के बाद 4 तक इसकी जो प्राइस है वो जा सकती है कि नहीं जा सकती, वो तो हमें टाइम के साथ पता चलेगा। वैसे सॉरी 7 दिसंबर नहीं, 8 दिसंबर को आई थिंक इनका जो इलेक्ट्रिकल जो नहीं वो इवेंट का जो है वो 7 दिसंबर के, और 8 दिसंबर का इनका एक और नया कैंपेन स्टार्ट होने वाला है जो ट्विटर की जो इंगेजमेंट के रिलेटेड। जी बिल्कुल, ये इनके एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये क्या करेंगे, ट्विटर के अंदर जो भी टारगेट्स हैं उनको जो है भाई टारगेट करेंगे ट्विटर की ऑडियंस को। उसके साथ इनका $1,000 का गिव अवे भी चल रहा है, जिसमें आपको तकरीबन क्या करना है, बिटगर्ड को फॉलो करना है, पीप को फॉलो करना है, रीट्वीट करना है, कमेंट करने हैं, उसके बाद भाई ट्विटर पे जाके ब्राइस के जो है बातें करनी पड़ेंगी आपको, तभी हो सकता है कि आप विन करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाउ नोट्स ने भी क्या किया है भाई, इन्होंने ट्वीट किया है कि भाई हमें बिटगर्ड को ब्राइज को लिस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इनका कहना है कि भाई बिटगर्ड जो है अब हमारे रेडार पे आ चुका है, तो मे बी ये नाउ नोट्स जो है ऑफिशियली बिटगर्ड को ब्राइज को लिस्ट करें, तो इट मीन कि हमें एक और ट्वेल लिस्टिंग देखने को मिलेगी ब्राइज के ऊपर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई जो यूजर्स हैं वो काफ़ी ब्राइज को लेके बुलिश हैं। अब देखते हैं कि वाकई में जिस तरह की उम्मीद है यूजर्स ने लगाई हुई है, क्या वो वाकई में अचीव कर सकेगा, डिलीवर कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। तो ये तो भाई हमें वक्त के साथ पता चलेगा कि भाई बिटगर्ड वाकई में कुछ करने जा रहा है कि नहीं करने जा रहा। आपको मुझसे कि मैं ज़रूर बताएं कि आप बिटगर्ड के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि भाई ये एक अच्छी खासी बुल रन पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।